ये एक इंडियन सेटअप का डुअल ड्रोन कैमरा पेलोड जो 40x जूम भी कर सकते हैं और नाइट विजन भी। मैंने इन्हें विजिट किया, हमने इस पेलोड को टेस्ट किया। ये है एक रेयर लुक इनसाइड ईऑन स्पेस लैब्स। मुझे बताओ आप क्या सोच रहे हो, ये इनके नाम में तो स्पेस है पर ये ड्रोन का पेलोड है। अब सही हो, इस कंपनी की शुरुआत एज ए स्पेस कंपनी हुई थी। इनफैक्ट मैंने इन्हें कवर भी किया था। इन्होंने छोटे मोनोलिथ स्पेस टेलीस्कोप बनाए थे जो बहुत कम कंपनीज दुनिया में बना सकती है। ये कंपनी की जो फाउंडर्स है उनके खून में ही ऑप्टिक्स है और अभी वो और दो सेगमेंट्स में आ चुके हैं जो है एयर एंड ग्राउंड। इस वीडियो में हम इनके ड्रोन पेलोड जिसका नाम है लुमिरा उसे देखेंगे एंड रैप अप करेंगे विद द स्पेस एंड ग्राउंड सेगमेंट। तो लुमिरा मुझे मनोज वन ऑफ द फाउंडर्स जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर आप देख सकते हो लुमिरा के ऊपर दो कैमरास है, एक सिल्वर सा कोटिंग टाइप कुछ दिख रहा है आपको और एक ट्रांसपेरेंट दिख रहा है अंदर के लेंसेस। ये ट्रांसपेरेंट वाला जो है वो आरजीबी डे टाइम कैमरा है। इसमें 40x ऑप्टिकल जूम है प्लस 32x डिजिटली जूम कर सकता है वो। इसे टेस्ट करने के लिए हम ये पूरी चीज टेरिस पे लेके गए जहाँ पे हमने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जूम करने ट्राई किया। आप देख सकते हो वो काफी अच्छा जूम कर सकता है, लाइक काफी सारे डिटेल्स दिखते हैं। याद रखो कि ये ऑप्टिकल जूम है, आपके वो फोन का 10x प्लस डिजिटल नहीं, लाइक 40x इज हार्डकोर ऑप्टिकल। इसके ऊपर आप डिजिटली जूम कर सकते हो और ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम आते हैं जब आप इतना जूम करते हो, आपका जो गिम्बल है वो बहुत स्टडी होना चाहिए क्योंकि जितना आप जूम करोगे आपका छोटा सा मूवमेंट एम्पलीफाई हो जाता है। इस केस में गिम्बल उनका खुद का नहीं है, गिम्बल एक्सटर्नल है बट वो खुद के गिम्बल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो सेंसर यूज कर रहे हैं वो सोनी का सेंसर है एंड इनके जो ऑप्टिक्स है वो सब खुद के हैं। ये जो हम टेस्टिंग कर रहे थे टेरेस के ऊपर वो नॉन आइडियल है क्योंकि याद रखो ये ड्रोन पे होगा तो जैसे एयर वगैरह मूव कर रहे हैं उसके आसपास वो कूल वगैरह होगा एंड वो उसका आइडियल एनवायरमेंट होगा। ये तो हैदराबाद की गर्मी एंड वो सब, लाइक इट वाज नॉन आइडियल। मैंने मनोज को फिर भी स्पेसिफिकली पूछा कि वो क्या कैपेबिलिटीज ला रहे हैं इस पेलोड में बिसाइड्स द सेंसर बीइंग फ्रॉम सोनी। टू दैट क्वेश्चन ऑफ व्हाट लाइक योर एक्सपर्टीज इन दिस एंड लाइक योर स्ट्रेंथ इज ऑप्टिक्स, सो यू आर बिल्डिंग बोथ द लेंस सिस्टम्स। वी आर बिल्डिंग बोथ द लेंस सिस्टम्स। So our core strength is in design and manufacturing of optics. Yeah. Currently we are relying the sensor, the CCD and CMOS sensors from other parties. But we are building the electronics behind it, like the FPGA readout electronics. We are tying up with other companies in India and we are trying to build out that. Okay, so what are the specs? Like how far can I see with this? So this camera has a detection range, both has different ranges. On day camera, you can see up to 2 kilometers human, and on the night camera, you can see up to 1 kilometer human detection. And for vehicles and all, it can go up to 5 to 8 kilometers depending on the size. अभी हम आते हैं इनके आयर कैमरा के ऊपर। देखो ये जो सिल्वर जैसा लेंस दिख रहा है वो जर्मेनियम से बना है। इसकी खासियत ये है कि ये बस इंफ्रारेड लाइट को अलाउ करता है, तो इंफ्रारेड जो वेवलेंथ है लाइट की वो किसी भी गर्म चीज से यूजुअली एमिट होती है। तो अगर इंसान चल रहा है या कोई व्हीकल जो गर्म है या कुछ भी, मतलब रिलेटिव है सब, तो ये लेंस बस आयर को अलाउ करती है, बाकी सब ब्लॉक कर देती है। तो जिसके कारण ऑल्दो काफी लोग कहेंगे कि एक नाइट विजन कैमरा, बट ऐसे कुछ नहीं, आप सुबह भी यूज कर सकते हो राइट। अगर फॉरेस्ट कैनोपी के अंडर वगैरह थोड़ा डार्क वगैरह इवनिंग टाइम या अर्ली मॉर्निंग, तो लाइक ये दोनों साथ में यूज हो सकते हैं, जरूरत नहीं कि रात होनी चाहिए। हमने इसे टेरेस पे भी यूज किया एक्चुअली और हम टैंक्स को देख रहे थे। दो टैंक्स थे, एक में पानी भरा था और एक में पानी नहीं भरा था, और वो आयर से इजीली पता चल रहा था क्योंकि जिसमें पानी भरा था वो ज्यादा ब्लैक था क्योंकि वो ज्यादा ठंडा था राइट, तो ज्यादा आयर एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पर जो खाली था टंकी वो ज्यादा ब्राइट दिख रही थी। लुमिरा इनका वन एंड ओनली ड्रोन पेलोड नहीं है, इनफैक्ट ये ऑर्बिट पे काम कर रहे हैं जो ज्यादा छोटे होंगे और एकदम भी छोटा होगा एक। तो इंटरेस्टिंग है इनका फ्यूचर क्योंकि कितनी कंपनीज इंडिया में ऐसे ऑप्टिक्स पेलोड्स बना सकते हैं। आई थिंक टॉनबो दूसरा स्टार्टअप हुआ जो ये सब कर सकता है, उनके बजाय मुझे नहीं पता। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा हमने खोल नहीं पाए, एक तो इनका ट्रेड सीक्रेट्स है और सेकेंडली सिंस ये छोटा स्टार्टअप है ये बहुत सारी चीजें बना के नहीं रख सकते, ये बिल्ड टू ऑर्डर होता है, तो आप ऑर्डर दोगे तब आपका यूनिट बनेगा, तो कोई ऐसे इंजीनियरिंग सैंपल नहीं था। बिसाइड्स दिस मनोज ने मुझे उनका वो स्पेस केपेबल इंजीनियरिंग सैंपल दिखाया उनके मोनोलिथ टेलीस्कोप का, तो देखो वो
कहाँ था एक टाइम पे जब मैं इनके वीडियो बनाया था, एंड अभी देखो सेंसर के साथ वगैरह कूल सेंसर, वो भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्जन। इसका फाइनल वर्जन जो है ये अभी भी एक इंजीनियरिंग यूनिट है, इसका फाइनल वर्जन शायद हमें स्पेस में दिखे जल्द, वो जब भी होगा मैं कवर करूंगा। हार्डवेयर काफी खूबसूरत था ये। इसके बजाय वो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज भी बनाते हैं, लाइक ये बूहो 225 जो है वो मैरिटाइम सर्विलेंस के लिए बना है। ये मोस्टली आयर बेस्ड वाला ही है, सिमिलर टू लुमिरा, जो आप शिप्स पे भी आयर मतलब अपनी नजर रख सकते हो। आयर इमेजरी इन जनरल काफी कूल है, लाइक इनविजिबल को देखना, बट मुझे किसी दिन इस आयर इमेजरी के टॉपिक में थोड़ा और डीप जाना है क्योंकि इसमें भी काफी सारे टाइप्स है। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही। स्पेशल थैंक्स टू जयम शर्मा, चैतन्य, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, कुमार अखिल, चंद्रवदन सिंह, श्रीकांत कापी, मुनू बाबू, वॉट्स न्यू, विद्यासागर रौनकी, वर्षिष रेड्डी, प्रवीण वाकोडे, विपुल वैभव, स्वास्ति देसाई और यश।